सभी को नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत हुई है यार। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। ये प्लान का डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। टोटल गांव के लिए प्लान बनाए हैं। क्लाइंट पास प्लॉट एरिया अच्छा खासा था, उसमें 34x44 में ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। फ्रंट में बाउंड्री का डिज़ाइन आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने बाउंड्री का डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर आपका मेन गेट है, मेन गेट से आप एंट्री करेंगे। उसके बाद जैसे आप एंट्री करेंगे तो पूरा एरिया पार्किंग, क्योंकि प्लॉट एरिया काफ़ी बड़ा है क्लाइंट का और अच्छा खासा स्पेस है। और जो कंस्ट्रक्शन हुआ पीछे मकान का, तो एक रूम यहाँ पे क्लाइंट ने ऑलरेडी बनवाते हैं, इसको एज ए गेस्ट रूम के तरीके से यूज करेंगे। बाकी फ्रंट के एरिया जो है उसमें आप प्लांटेशन वगैरह इस तरीके से कर सकते हैं। प्लाट के हिसाब से जो भी एरिया बचता है उसमें आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ये डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये विंडो का डिज़ाइन भी आप देख लीजिए, 34x44 में कंस्ट्रक्शन हुआ है। विंडो का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। और ये पोर्च का जो डिज़ाइन है राउंड करके इस तरीके से डिज़ाइन को डिज़ाइन किया गया है। तीनों साइड से राउंड किया गया है, यहाँ पे फ्रंट में लेफ्ट राइट में तीनों साइड से पोर्च में इस तरीके से डिज़ाइन को राउंड किया गया है और दो पिलर के साथ सपोर्ट करके डिज़ाइन को दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको विंडो का डिज़ाइन मिल जाएगा। ये आपका ग्रीन एरिया बनाया गया है जो कि विंडो के नीचे साइड में आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। और ऊपर रेलिंग की बात करें तो दो दो फीट चारों साइड निकाला गया है। सेंटर में आपका 1 फीट 6 इंच इस तरीके से छज्जा आपका निकलेगा दोस्तों। छज्जे की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्रिल के पैटर्न में डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। ये पोर्च आपका इस तरीके से आगे आपको मिल जाएगा, आगे निकला हुआ इस तरीके से जैसे डिज़ाइन आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको आगे मिल जाएगा। पोर्च वगैरह का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, सेंटर में हमने राउंड बनाया है, बाकी लेफ्ट और राइट में स्ट्रेट रखा है। इस साइड में विंडो के ऊपर का भी हिस्सा उसी तरीके से हमने बनाया है, कॉर्निस का भी इसमें डिज़ाइन दिया है दोस्तों। इसके बाद की बात करें, मकान को 3 फीट ऊपर रखा गया तो यहाँ पर आपको एंट्री के लिए स्टेप बनाना होगा। ये आपका पोर्च डिज़ाइन हो जाएगा। पोर्च का एरिया जो है 9 फीट 6 इंच × 10 फीट 10 इंच का है। ये आपका एक बेडरूम, इसका दरवाज़ा पोर्च से ही दिया गया है, ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा। इस बेडरूम नंबर 4 का जो साइज़ रखा गया है 10 फीट 4 इंच × 13 फीट 6 इंच का। ऊपर आपको सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट वगैरह इस तरीके से इस डिज़ाइन इस पैटर्न में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका टीवी वगैरह का प्लेसमेंट इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये आपका एक विंडो हो गया, विंडो में आपको इस तरीके से कैटर्न वगैरह का डिज़ाइन मिल जाएगा, ये आप देख लीजिए। और ये आपका दरवाज़ा इस तरीके से आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, बाकी हिस्से में आप, ये रहा आपका मेन गेट, मेन मकान में आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा, 9 फीट 6 इंच × 11 फीट का साइज़ रखा गया है। इसको आप हॉल बोल सकते हैं, फिर लिविंग स्पेस बोल, लिविंग हॉल बोल सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो आपको मिलेगा जो कि इस हॉल का प्रॉपर वेंटिलेशन इस विंडो के थ्रू आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ सामने ही आपका टीवी का प्लेसमेंट किया गया जो कि इस हॉल से डायरेक्टली आपका यहाँ पर ओपन रहेगा दोस्तों। इसके इसी हॉल में ही एक और बेडरूम रखा गया है, इस देख लीजिए बेडरूम का जो साइज़ रखा गया है 12 फीट × 10 फीट 7 इंच का साइज़ रखा गया है। इस बेडरूम में आपको 2 विंडो मिल जाएगी, टोटल इसमें 5 बेडरूम आपको मिल जाएंगे। 34x44 एरिया में 5 बेडरूम आपको बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो बैक साइड का जो एरिया है लॉबी एरिया में आप एंट्री करेंगे। ये आपका एक और दरवाज़ा लगाया गया है, इसके बाद यहाँ से आप ये लॉबी एरिया में एंट्री करेंगे। जैसे इधर साइड में आप टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेयर का डिज़ाइन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसका पूरा वीडियो देखिएगा, सेक्शन प्लान में सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये आपका पूजा रूम बोल सकते हैं, नमाज रूम बोल सकते हैं, आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका एक किचन हो गया। किचन का जो साइज़ रखा गया 10 फीट 4 इंच × 9 फीट का साइज़ रखा गया। ऊपर आपको फैन और सीलिंग लाइट वगैरह इस तरीके से आपको मिल जाएगी। किचन का प्लेटफॉर्म आपको यल पैटर्न पे इस तरीके से आपको डिज़ाइन करके डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। वॉल पे आपको नॉर्मल टाइल्स वगैरह का डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। ये आपका टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे आपका टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, आप देख लीजिए। टॉयलेट बाथरूम, इसका जो टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ है 6x6 का साइज रखा गया है। ये टॉयलेट का प्लेसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप विंडो मिल जाएगा जो कि यहाँ पर स्मेल वगैरह जो भी होगी यहाँ से वेंटिलेट हो जाएगी। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, इसका दरवाजा बाहर से दिया गया है, इसको आप नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका टॉयलेट और बाथरूम शावर वगैरह यहाँ पे आपका इस तरीके से लगाया गया दोस्तों। इस टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ है 6x6 का है। लॉबी एरिया का जो साइज़ आपका रखा गया है 9 फीट 6 इंच × 6 फीट 8 इंच का साइज़ रखा गया है। यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलेगा। बैक साइड में 3 बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज़ है 11x13 का साइज़ है। ऊपर आपको सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ये बेडरूम कॉर्नर पे आ रहा है तो इसमें भी आपको 2 विंडो इस तरीके से इस पैटर्न इस लुक पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सामने आपका टीवी का प्लेसमेंट किया गया है, इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों।
तो चलते हैं बाहर की तरफ। अभी दो बेडरूम बने बचे हुए हैं, उनका भी डिटेल आपको हम बताते हैं दोस्तों। ये आ रहा आपका दो बेडरूम, दो बेडरूम जो कि पीछे वाले हिस्से में दो बेडरूम और बने थे, उन सब का साइज़ ये आपको बता रहे हैं। ये आपका यहाँ पे बेड वगैरह का प्लेसमेंट किया गया, ऊपर आपको सीलिंग फैन सीलिंग लाइट वगैरह आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पे बैक साइड में विंडो मिल जाएगी, यहाँ से वेंटिलेशन आपका होता रहेगा दोस्तों। ये आपका टीवी का प्लेसमेंट सामने इस तरीके से डिजाइन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस बेडरूम का जो साइज़ रखा गया 10x6x13 फीट का साइज़ रखा गया। ये पूजा रूम का जो साइज़ है 7x5 का साइज रखा गया दोस्तों। पूजा रूम, नमाज रूम, जो भी आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, जिस भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों। ये आपका एक तीसरा बेडरूम हो जाएगा। इस बेडरूम का जो साइज है 10x4x13 फीट का साइज रखा गया है, आप देख लीजिए। और वॉल पे आपको नॉर्मल कलर वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस बेडरूम से अटैच करके एक टॉयलेट बाथरूम बनाया गया दोस्तों, ये आप देख लीजिए। इस बेडरूम से अटैच करके एक टॉयलेट बाथरूम आपको बनाया गया, शावर वगैरह का प्लेसमेंट आपको इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। ये जो अटैच वाशरूम है इसका साइज है 5x6x6 फीट का साइज रखा गया है। टॉयलेट वगैरह का प्लेसमेंट भी आपका, टॉयलेट सीट वगैरह आपका इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और ये आपका वॉल पे आपको नॉर्मल कलर हमने किया है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करा सकते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का वॉक थ्रू। अब चलते हैं बाहर का डिटेल भी आपको बताते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ नहीं जाता, लाइक करें दोस्तों, कुछ जरूर शेयर करें। जो भी मकान बनवाने हैं नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका ममटी रूम, ममटी रूम को आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हमने चारों साइड मार्जिन छोड़ा है क्लाइंट के प्लॉट के अकॉर्डिंग, 2.5 फीट से 3 फीट आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 2.5 फीट छोड़ा गया। चारों साइड आपको स्पेस इस तरीके से मिल जाएगा, इससे वेंटिलेशन आपको होता रहेगा। ऑलरेडी बोला क्लाइंट का स्पेस प्लॉट का जो साइज है अच्छा खासा था, तो उसमें 34x44 में बनाया गया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा वॉक थ्रू है। अभी इसका सेक्शन प्लान भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा इसका सेक्शन प्लान दोस्तों। सेक्शन प्लान की बात करें तो ये आपका मेन गेट से आप यहाँ एंट्री करेंगे, मेन गेट का डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह स्पेस अपने तरीके से बना सकते हैं। एक बेडरूम आपको बाहर ही बनाया गया है, इसको चाहे आप गेस्ट रूम के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर साइड में आपको प्लांटेशन मिल जाएगा। ये वाला एरिया आपका पोर्च एरिया हो गया, देख लीजिए आप इस तरीके से पोर्च एरिया बनाया गया है। पोर्च से ही एक अंदर से बाहर से दरवाज़ा दिया गया इस बेडरूम का। ये बेडरूम जो आप देख रहे हैं इसका दरवाज़ा बाहर से दिया गया, पोर्च से आप इसको नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप हॉल से एंट्री करेंगे और उसके इस हॉल में भी एक अटैच करके एक बेडरूम बनाया गया, इसका दरवाज़ा हॉल से होगा। ये आप यहां मेन गेट से एंट्री करेंगे तो ये आपका लॉबी एरिया हो जाएगा। लॉबी एरिया के एक साइड में आपको यहां पे सीढ़ी का डिजाइन इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए इस तरीके से आपको सीढ़ी का डिजाइन मिल जाएगा। ये आपका नमाज रूम जैसा कि डिस्कस किया गया है। यहां पे आपको किचन, किचन देख लीजिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और बैक साइड में आपको 3 बेडरूम मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा, आप देख लीजिए इस तरीके से आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा। और ये बेडरूम नंबर 1, पीछे के जो 3 रूम है उसकी बात कर रहा हूं, ये बेडरूम नंबर 1, ये बेडरूम नंबर 2 और ये बेडरूम नंबर 3। और इधर अटैच आपका टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से बनाया गया दोस्तों। तो इस तरीके से प्लान का टोटल डिटेल है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको कोई मकान बनवाना है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 100 घर के नक्शे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग साइजेस में, इस प्लान का भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।